नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाने पहुंचा पुलिस अधीक्षक कार्यालय। आपको बता दें, पूरा मामला पुलिस अधीक्षक कार्यालय का है, जहां शिवाधार पुत्र श्री केसन निवासी ग्राम बान बाबा का पूर्वा अंश नागनेधि थाना अरतरा तहसील अरतरा जिला बांदा का एक गरीब मजदूर व्यक्ति का है। मनोज कुमार पुत्र की शादी 7 वर्ष पूर्व लीलावती पुत्र जगमोहन निवासी आहार तहसील बबेरू थाना कोतवाली बबेरू जिला बांदा के साथ हुआ था, लेकिन हमारी बहू लीलावती 3 वर्षों से अपने ससुराल नहीं आई, जबकि कई बार मेरा बेटा लिवाने गया लेकिन नहीं आई। माता पिता नहीं भेजते थे। जब दिनांक 24 फरवरी 2021 को ससुर जगमोहन ने मेरे बेटे को फ़ोन से बुलाया कि आ जाओ और लीलावती को लिवा जाओ, मेरा बेटा मनोज दिनांक 25 फरवरी 2021 को अपनी पत्नी लीलावती को लिवाने के लिए ससुराल आया हुआ था, तो रात्रि दिनांक 26 फरवरी 2021 को लीलावती पुत्री जगमोहन ससुर जगमोहन पुत्र बोड़ा व साला टिंकू मास्टर पुत्र जगमोहन व श्रीकेशन पुत्र बोड़ा वीरेंद्री पुत्र श्रीकेशन निवासी ग्राम आहार थाना कोतवाली बबेरू जिला बांदा ने रंजिश साजिश के तौर पर मेरे बेटे मनोज को उक्त लोगों ने मिलकर मार मार कर हत्या कर दी। हत्या का मुकदमा लिखवाना चाहता हूं, पर थाना कोतवाली बबेरू मुकदमा लिखाने गया लेकिन पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा और भगा दिया। पीड़ित आज हम पुलिस अधीक्षक कार्यालय न्याय की गुहार लगाने आए हुए हैं। खबर जगत के लिए बांदा से दिलीप जैन की रिपोर्ट। शिवधार जी, कहां से आए हुए हैं आप? बांदा का पुरवा। क्या दिक्कत है, क्यों आए हुए आज यहाँ पुलिस आज कर? भाई, हमारा लड़का गया था ससुराल बहू को लिवाने, 3 साल से नहीं आ रही थी, तो वही इन्होंने बुलवा लिए उसके ससुर में, और वहीं रात में 25 को उसका मार्डर कर दिया। अच्छा, किन लोगों ने कर दिया है? उसी के साला ससुर, दादा के लड़का, उसकी घर वाली सभी। अच्छा, आप लोग थाने गए थे? थाने गए थे तो साहब वहाँ कोई हमारी हटा दिया का, हम नहीं लिखे आपके। अच्छा, क्या नाम है आपके बच्चे का जो खत्म हुआ? मनोज कुमार। मनोज कुमार नाम था। हाँ। तो क्या ससुराल गया था लेने के लिए? हाँ, ससुराल। तो वहीं पर हत्या कर दी उसकी? हाँ, उसने। तो क्या हुआ, किसी उच्च अधिकारियों से आप लोग मिले? हाँ, दिया साहब, कप्तान साहब हमको, ये वहाँ दिया, बबेरू गए। कब कब की घटना है ये, कितने दिन हो गए? ये 26 की घटना है, 27 को उसका डॉक्टरी हुई है।